इस तरीके से जब आपके पेंटोस शुगर के फर्स्ट कार्बन से नाइट्रोजन बेस जुड़ेगा, कौन सी लिंकेज के द्वारा? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के द्वारा, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और इसके फिफ्थ कार्बन से जब फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाएगा ईस्टर बॉन्ड के द्वारा, तो ये बन जाएगा पूरा न्यूक्लियोटाइड। तो ये बन गया एक न्यूक्लियोटाइड। अब ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन बनाएंगे। तो देखिए कैसे जुड़ेंगे, ये एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब देखिए दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये पेंटोज शुगर, ये नाइट्रोजन बेस, और इसका फिफ्थ कार्बन पे ये फॉस्फेट ग्रुप। तो देखिए इस वाले का ये जो फॉस्फेट ग्रुप है ये अपने ऊपर वाले के थर्ड कार्बन से जुड़ेगा। इसके तो ये फिफ्थ से जुड़ा है, ये अपने ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ेगा, और इधर फिफ्थ कार्बन से जुड़ा है ईस्टर बॉन्ड के द्वारा। तो इस तरीके से दो न्यूक्लियोटाइड आपस में डाई ईस्टर बॉन्ड से जुड़ जाएंगे। डाई ईस्टर बॉन्ड मतलब दो ईस्टर बॉन्ड, एक ईस्टर बॉन्ड ये हुआ और एक ईस्टर बॉन्ड ये। तो दो न्यूक्लियोटाइड आपस में डाई ईस्टर बॉन्ड के द्वारा जुड़ते हैं। इसी तरीके से फिर देखिए ये पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस, और इसके फिफ्थ कार्बन से ये फॉस्फेट ग्रुप। ये फॉस्फेट ग्रुप इसके तो फिफ्थ से जुड़ा है पर अपने ऊपर वाले के थर्ड से। तो इस तरीके से हर फॉस्फेट ग्रुप अपने तो न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ से जुड़ा है पर अपने ऊपर वाले के न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से जुड़ेगा, और इस तरीके से डाई ईस्टर बॉन्ड के द्वारा ये जुड़ जुड़ के एक लंबी चेन बना लेंगे। तो इस तरीके से ये चेन बनती जाएगी पॉली न्यूक्लियोटाइड, जिसमें दो न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े हैं? डाई ईस्टर बॉन्ड से। ये फॉस्फेट ग्रुप ने एक ईस्टर बॉन्ड तो अपने वाले न्यूक्लियोटाइड के संग बनाया फिफ्थ कार्बन पे, और अपने ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के संग बनाएगा थर्ड कार्बन पे। ऐसे इसने अपने वाले के फिफ्थ से, अपने ऊपर वाले के थर्ड से, ऐसे इसने अपने वाले के फिफ्थ से और अपने ऊपर वाले के थर्ड कार्बन से जुड़ेगा, और डाई ईस्टर बॉन्ड के द्वारा ये आपके न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जुड़कर लंबी चेन बना लेंगे। तो इस तरीके से न्यूक्लियोटाइड जुड़